तीन चार दिन पहले मैं मार्केट गई। मार्केट में बहुत सुंदर लाल लाल टमाटर मिल रहे थे, सो मैंने अधिक क्वांटिटी में खरीद लिया। लेकिन उतना टमाटर यूज़ नहीं होने के कारण कुछ टमाटर ख़राब होने लग गए। तो मैंने सोचा कोई ख़राब होते टमाटर को देखकर यह नहीं बोले कि केवल तुम पैसों की बर्बादी करती हो। तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज कर लेती हूँ, और फटाफट मैंने टमाटर के ख़राब पार्ट को काट कर हटा दिया और इसे रफली मोटा मोटा मैंने चॉप्ड करके काट लिया। अभी देखिएगा इसे मैं क्या कर रही हूँ। आप भी हमारे स्ट्रिक को फॉलो करिएगा तो आप किचन क्यून कहलाएंगे। और देखिए इसके सारे ख़राब पार्ट को हमने हटा दिया और इसे हमने मिक्सी में पीस कर इसका पेस्ट बना लिया। इसमें हमने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नमक और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। पैन को हमने गैस पे रख दिया है और इसमें हमने सरसों तेल डाला है। तेल की मात्रा हमने थोड़ी अधिक रखी है। अब सारे पेस्ट को हमने मिला लिया और अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने इस पेस्ट को डाल दिया है और साथ ही ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमने डाल दिया है। इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। अब ये काम मुझे फटाफट करना था, कोई देखे कोई मुझे कुछ बोले उससे पहले इसे बना के कंप्लीट करना था। इसे हमने ढक दिया 5 मिनट के लिए और तेज़ फ्लेम पे ही हमने रखा है। अब 5 मिनट के बाद हमने कवर हटाया और इसे एक बार फिर से हमने चला लिया तो थोड़ा ये बिगाड़ा हुआ है, अभी इसे और भी पकाने की ज़रूरत है। कम पकेगा तो इसकी सेल्फ लाइफ कम रहेगी। अब इसे हमने फिर से 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट के बाद हमने कवर हटाया तो अब आप देखिएगा अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, क्योंकि अब ये ठंडा होगा तो भी और गाढ़ा होगा। ये बहुत अच्छा बन गया है। अब तो किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि ये मैंने फ्रेश टमाटर से बनाया है या फिर ख़राब होते हुए टमाटर से बनाया है। और अभी देखिए आपने लाल मिर्च जो हमने डाला था, लाल मिर्च ने अपना कलर बहुत सुंदर छोड़ दिया है। कितना सुंदर कलर आया है। इसमें हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है और फिर से इसे चला ली हूँ। और अब इसे ठंडा होने छोड़ देंगे और एक शीशे के जार में इसे भर के रख देंगे और जब हमें जिस सब्जी में यूज़ होगा, जितना यूज़ होगा, इसे हम चम्मच से लेकर डाल देंगे। कितना अच्छा ये टमाटो प्यूरी बनकर तैयार हो गया है। चलिए नई टिप्स के साथ फिर मिलते हैं।